हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो ज़ीलियो वाईफाई 1100 इन्वर्टर है वो किस प्रकार है। और आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, ये वाईफाई इंडिकेशन साइन है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है ये इन्वर्टर। और ये आप साइड वाइज देख लीजिए और ऊपर से देख लीजिए, और ये बैक में जो है आपको लोअर फैन मिलेगा। यहाँ पे किस टाइप की बैटरी है उसको सेलेक्ट करना है। आउटपुट ये एमसीबी, ये बाईपास एंड नॉर्मल मोड है। एंड इसमें आपको काफ़ी अवेलेबल है फीचर्स। एंड ये जो है आपकी ल्यूमिनस की बैटरी है, 180 AH टॉल ट्यूबुलर, 60 मंथ्स वारंटी के साथ। और आप इसको देख सकते हैं, ये जो है बॉक्सेस हैं, देख लीजिए आप। और अभी जो है ये इन्वर्टर जो है अभी इको मोड पे है। एंड इसमें जो अभी बैटरी बैकअप बता रहा है वो बता रहा है 9 आवर 59 मिनट्स, मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो 10 आवर्स का बैकअप बता रहा है, क्योंकि अभी जो है ओनली CFLs एंड LEDs चल रही हैं। और ये बैटरी इंडिकेशन बता रहा है, और ये आपका बेहतरीन इन्वर्टर है जो कि वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, और आपको कहीं भी हो आपके मोबाइल पर पता चल जाएगा कि आपका इन्वर्टर कितना चार्ज है, कितना ओवरलोडेड है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। पूरे के पूरे फीचर जो हैं आपको इसमें मोबाइल में पता चल जाएंगे। बस आपके घर में जो है वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट वाला, जो कि ब्रॉडबैंड के थ्रू आपके मोबाइल से कनेक्टेड होता है, और वो सर्वर पर लोड करता है, और सर्वर से जो है आपके मोबाइल पे आ जाता है, जिसमें मोबाइल में आपने रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है OTP के थ्रू, और करना पड़ता है वो आपको प्रोसेस जो है आपकी ल्यूमिनस की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगी। तो ये जो है ऐप है, यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा बैकअप का, अवेलेबल अभी बता रहा है मैक्सिमम 10 घंटे ही समझिए। 99% बैटरी है अभी अवेलेबल, और रनिंग लोड जो है अभी 12% ही यूज़ है, मतलब अभी जो है सिर्फ CFL वगैरह नॉर्मल जल रही होंगी या ट्यूबलाइट वगैरह, बस उसका लोड बता रहा है 12%। और इसमें पावर यूज़ का ये चार्ट है, ये बता रहा है अभी थर्सडे का कितना हुआ है, 0 से 1 आवर्स, उसको समझ लेना आप। और यहाँ पे बैटरी हेल्थ है, मेरी जो बैटरी है वो ट्यूबुलर बैटरी है, लुमिनस की कैपेसिटी उसकी 180 AH, भी इको मोड पे चल रहा है। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, जब जैसे कि कट पावर कट होता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है ऊपर, और ये सब नोटिफिकेशन सेटिंग है, इन सब के नोटिफिकेशन आएंगे, जितनी भी चीज़ें दिखा रही हैं इन सब के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। जैसे भी प्रॉब्लम हो, जैसे लो बैटरी हो गई, व्हेन पावर कट हैपेंस उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ओवरलोड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, MCB ट्रिप्ड हो गया उसका आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट का भी आ जाएगा, ओवर हीटेड का भी आ जाएगा, और व्हेन बैटरी वाटर लेवल इज़ लो, और वाटरी का जो पानी का जो लेवल होता है वो कम हो गया तो उसका वो आ जाएगा। और देखिए कनेक्टिविटी ज़ीलियो, ये जो है मेरे जो मेरा इन्वर्टर है वो मेरे घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, और वाईफाई के थ्रू जो है इसमें वो अपने सर्वर पे डालता है, और यहाँ पे जो मेरा ऐप है उसमें मैंने रजिस्टर किया था OTP के थ्रू, तो यहाँ पे जो है वो सर्वर के थ्रू यहाँ पे बता देता है। अभी ये बता रहा है 11:17 का, अभी 11:20 हो रहा है, मतलब 2-3 मिनट पहले पीछे का बताता है, ठीक है ना। बस यही है इसका ऐप और कुछ नहीं है, यहाँ से अपन दबाएंगे तो रिफ्रेश होता रहेगा बस। और ये सेटिंग है मेरा डीलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है, ये ज़ीलियो के बारे में बता रहा है, इन पर वोल्टेज 0, क्योंकि अभी पावर नहीं आ रहा है इस वजह से, बैटरी वोल्टेज अपना बता रहा है, चार्जिंग करंट लो, बस यही है। नोटिफिकेशन आ जाते हैं मोबाइल पे 2 या 3 सेकंड के अंदर, जैसे ही पावर कट हुई हल्के आपके यहाँ के ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन कि आपकी पावर कट हुई है या फिर कुछ भी हुआ है ओवर लोडेड कुछ भी, वो फटाफट आ जाता है अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड है इन्वर्टर तो। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन है BSNL वाईफाई का, और ये उसका राउटर है, और ये वाईफाई एंटीना जिससे ही जो है
मेरा जो ल्यूमिनस का इन्वर्टर वो इससे कनेक्टेड है, और वो ल्यूमिनस जो है पूरी डिटेल यहाँ पे इसके थ्रू अपनी वेबसाइट पे डालता है, और वेबसाइट के थ्रू मेरे ऐप पे आ जाते हैं सारे मैसेजेस। तो आपको जो है ये जो कनेक्शन ज़रूर करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपको इंस्टेंट, और इसको हमेशा चालू रखिए, जिससे कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए इन्वर्टर में तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में। बस इतना ही है इस इन्वर्टर के बारे में। आइए हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड कमेंट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम हो या कोई जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।